वक्ता, अभिभाषक या वकील, एडवोकेट, इसके फ्रेंड्स अनेक अर्थ है, परंतु हिंदी में ऐसे व्यक्ति से है जिसको न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उसके हेतु या वाद का प्रतिपादन करने का अधिकार प्राप्त हो। अधिवक्ता किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर या उसकी तरफ से दलील प्रस्तुत करता है। इनका प्रयोग मुख्यतः फ्रेंड्स कानून के संबंध में होता है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में यही जानेंगे अधिवक्ता, अभिभाषक, वकील, एडवोकेट क्या होता है और वो हमारी किस तरह से हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवोकेट गौरव में। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कानून से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, लीगल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की जानकारी आपको हो सके। साथ फ्रेंड्स आप हमसे हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक अधिवक्ता क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले आपको बताऊं फ्रेंड्स अधिकांश लोगों के पास अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने की क्षमता, उनका ज्ञान कौशल और भाषा की शक्ति नहीं होती है। तो फ्रेंड इसीलिए उन्हें अधिवक्ता की जरूरत होती है और वो इसी बात को रेखांकित करती है कि अन्य बातों के अलावा अधिवक्ता को भी उनके पॉइंट्स है उनको कोर्ट के सामने इजी वे में उनको प्रस्तुत कर सकता है। अधिवक्ता उसे कहते हैं फ्रेंड जिसे कानून का ज्ञान हो, कानून का जो विशेषज्ञ हो, जिसे कानून का व्यवसायिक अध्ययन किया गया हो। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स न्याय प्रणाली में ऐसे व्यक्तियों की दो श्रेणियां हैं। इसमें पहला आता है फ्रेंड्स वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट तथा दूसरा अधिवक्ता यानी वकील। एडवोकेट के नामांकन के लिए भारतीय बार काउंसिल अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक प्रादेशिक उच्च न्यायालय में अपने अपने नियम होते हैं और उच्चतम न्यायालय में नामांकित मतलब रजिस्टर्ड एडवोकेट देश के किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रतिपादन कर सकते हैं। वकील उच्चतम या उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिपादन नहीं कर सकता है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स एडवोकेट जनरल अर्थात महाधिवक्ता शासकीय पक्ष का प्रतिपादन करने के लिए प्रमुखतम अधिकारी होता है। यदि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का यह मत है कि कोई अधिवक्ता अपनी योग्यता, अदालत में अपनी स्थिति, विशेष जानकारी या कानूनी अनुभव के आधार पर वरिष्ठ अधिवक्ता बनने का अधिकारी है तो उसे उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता किसी अन्य अधिवक्ता के बगैर उच्चतम न्यायालय में पेश नहीं हो सकता है। दूसरे अधिवक्ता का नाम रिकॉर्ड में होना चाहिए। इसी तरह अन्य अदालतों, न्यायाधिकरणों में पेश होने के लिए सहयोगी अधिवक्ता का नाम राज्य सूची में दर्ज होना चाहिए। अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड मतलब पंजीकरण के लिए शिक्षा का स्तर निर्धारित है। व्यावसायिक आचरण और व्यावसायिक व्यवहार पर नियंत्रण के साथ साथ अन्य मामलों के लिए भी नियम बनाए गए हैं। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स कि भारत के कानूनी व्यवस्था से संबंधित कानून अधिवक्ता अधिनियम 1961 और देश की भारतीय विधिक परिषद बार काउंसिल द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर संचालित होता है। कानून के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के लिए यह स्वयं निर्धारित कानूनी संहिता है जिसके तहत देश और राज्य की बार काउंसिल उसका उसमें गठन होता है और अधिवक्ता कानून 1961 के तहत पंजीकृत किसी भी वकील को पूरे भारत कानूनी व्यवसाय करने का अधिकार है। किसी भी राज्य की बार काउंसिल में पंजीकृत कोई भी वकील किसी दूसरे राज्य की बार काउंसिल में अपने नाम के तबादले के निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन कर सकता है, किंतु कोई भी वकील एक या ज्यादा राज्य की बार काउंसिल में पंजीकृत नहीं हो सकता है। राज्य की बार काउंसिलों के पास अपने यहाँ पंजीकृत वकीलों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का भी अधिकार होता है। इस कार्रवाई के विरुद्ध देश की बार काउंसिल में अपील की जाती है और उच्चतम न्यायालय में भी इसे जाने का अधिकार मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ हमने जाना कि एडवोकेट क्या होता है, वो किस तरह से कार्य कर सकता है, उसे किस तरह से रजिस्टर्ड होने के बाद में वो अपना अपना कार्य कर सकता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे थम्स अप करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में शेयर करें। जुड़े रहे हमारे चैनल एडवोकेट गौरव के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।